यहाँ पर 45 रूम्स हैं और जो किराया अभी सर्दियों में है वो 300 रुपये से 1100 रुपये तक है, अलग अलग 2 बेडेड 3 बेडेड 4 बेडेड इस तरह से है। गर्मियों में क्योंकि उनमें एसी लगा हुआ है, जब एसी चलता है तो उसी का जो 300 वाला रूम है वो 700 में हो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर हम आज आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं मथुरा से। तो देखिए, हमें लगा नहीं था कि कान्हा जी हमें इतनी जल्दी बुला लेंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब बुलाते हैं तो दौड़े चले आते हैं। पिछले वीक ही आए थे हम वृंदावन और इस वीक आ गए हम मथुरा। तो देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे मथुरा और बरसाना हमने प्लान किया है, लेकिन क्या क्या और चीज़ें हमें दिखती है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हैं, आपको भी घुमाते हैं। हम रह रहे हैं होटल रॉयल ब्रिजवासी, मथुरा में ही है ये होटल। अच्छा है, लेकिन ये हम सारी चीज़ें आपको वन बाय वन दिखाते रहेंगे। अभी चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और क्योंकि हमें जाना है अभी मथुरा में घुमाने के लिए। अपना रूम मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें ये, मुझे ऐसा लगता है कि इनके सभी रूम्स में जो मिनिमम एमिनिटीज़ हैं वो तो हैं ही, क्योंकि ये बेस कैटेगरी रूम है जो हमारे पास है, और सेंट्रलाइज्ड एसी है इसमें, हीटिंग भी है। रूम मुझे अच्छा लगा क्योंकि एमिनिटीज सारी मिल रही हैं। जिस तरह से मुझे यहाँ पर कैटल मिल गया, क्योंकि हमें गर्म पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिनी फ्रिज भी है जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन अटैच वॉशरूम है, और इसमें हीटिंग सिस्टम भी, क्योंकि जो वाटर है रनिंग हॉट वाटर है, और बहुत अच्छा गर्म पानी हमें मिला। क्योंकि जनरली जब रनिंग हॉट वाटर होता है मोस्टली होटल्स में, वो उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता, लेकिन और हमें आदत है बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने की, तो यहाँ पे अच्छा गर्म पानी मिला है। और अब ब्रेकफास्ट कैसा है वो देख लेते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं रिसेप्शन पर, ग्राउंड फ्लोर पे, रात को, क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे थे, लगभग 1 बजे हम आए हैं, और उस टाइम इसीलिए हम दिखा नहीं पाए आपको, लेकिन अभी मैं रिसेप्शन आपको दिखा देती हूँ। और यहीं पर ग्राउंड फ्लोर पर ही हमें रेस्टोरेंट मिलता है। देखिए कितना सुंदर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कान्हा जी। आज ब्रेकफास्ट की शुरुआत हेल्दी फूड के साथ, क्योंकि अभी बाहर जाके तो चटर पटर खाना ही है, यहाँ पे हेल्दी खा लेते हैं। खाना अच्छा है, टेस्टी है, और उत्पम साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों मिक्स वैरायटीज हैं। तो देखिए, ये है होटल ब्रिजवासी रॉयल। गाड़ी यहीं खड़ी है हमारी, पार्किंग एरिया है, क्योंकि ये पूरा 39 रूम्स इन्होंने बताए हैं हमें, और 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बिल्कुल रोड पे है ये, देखिए, और यहीं से हमें ऑटो लेना है। दोनों रूट्स अलग बताए हैं हमें, द्वारकाधीश का अलग है, और कहाँ जाना है हमें नेक्स्ट, कृष्ण जन्मभूमि, उसका रूट अलग है। तो देखते हैं ऑटो वाला पहले कहाँ ले जाता है। तो देखिए, हमने रिक्शा लिया है अभी जन्मभूमि के लिए, 50 रुपये यहाँ पर ऑटो मिला है हमें, पूरा प्रॉपर ऑटो है ये, और वहीं से फिर हम आगे जाएंगे द्वारकाधीश, क्योंकि भैया ने अभी बताया हमें कि द्वारकाधीश 11 बजे बंद हो जाता है मंदिर, तो हमें उससे पहले वहाँ पहुँचना है, तो हम पहले जल्दी से कृष्ण जन्मभूमि चलते हैं और फिर द्वारकाधीश चलेंगे। और देखिए, यहाँ ऑटो बाहर छोड़ दिया है हमें ऑटो ने, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, राधा कृष्ण मार्ग है ये, पैदल जाएंगे यहाँ से। देखिए, ये है श्री कृष्ण जन्मस्थान अंतर्राष्ट्रीय विश्राम गृह, इंटरनेशनल रेस्ट हाउस है ये, बहुत नाम सुना है मैंने इसके बारे में। आइए देखते हैं अंदर से। देखिए, ये वही इंटरनेशनल रेस्ट हाउस है जिसके बारे में मैंने बहुत खोजबीन की थी गूगल पर, लेकिन क्योंकि नंबर कोई मिला नहीं था। और यहाँ पर भी आके देखिए, यात्री यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पहले से प्री बुक नहीं होता है, तो अभी ये लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने बताया कि अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर 45 रूम्स हैं, और जो किराया अभी सर्दियों में है वो 300 रुपये से 1100 रुपये तक है, अलग अलग 2 बेडेड 3 बेडेड 4 बेडेड इस तरह से है। गर्मियों में क्योंकि उनमें एसी लगा हुआ है, जब एसी चलता है तो उसी का जो 300 वाला रूम है वो 700 में हो जाता है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है, रूम्स अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए दिखा नहीं पाए आपको।
देखिए मुझे यहाँ पे ना ब्रजवासी के नाम से पेड़े वाले बहुत मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्रज भूमि है तो सभी मोस्टली जो होटल्स के भी नेम है और जो शॉप्स के भी नेम है वो ब्रजवासी के नाम से ही है। तो ये है गेट नंबर 1, कृष्ण द्वार गेट नंबर 1। आप देखते हैं यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ है या नहीं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। तो देखिए यहाँ पर जगह जगह ये सूचना लिखी हुई है कि अंदर आप मोबाइल फ़ोन और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरा वगैरह ये अलाउड नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्लॉक रूम बनाया हुआ है जहाँ पर ये सामान को डिपॉजिट कर लेते हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो हम यहाँ पर जमा कराते हैं और फिर अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि से अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश, वहाँ से हमने रिक्शा लिया है 40 रुपये में, हमें 2 लोगों के लिए मिला है। और यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, अभी अब आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इवन मोबाइल तो है ही रिस्ट्रिक्टेड है, कैमरा नहीं लेके जा सकते, आप गाड़ी की चाबी भी नहीं लेके जा सकते, वो भी डिपॉजिट करना था। राजाधिराज श्री द्वारकाधीश मंदिर आ गए हैं हम लोग, और अभी गेट बंद है सुबह से, वो कह रहे हैं, हमें बताया 3 बार खुल के बंद हो चुका है, अभी 10 बजे खुलेगा, 9:30 हुए हैं अभी, तब तक हम यहाँ लाइन लगी हुई है, लेकिन हम तब तक यमुना जी के दर्शन करके आते हैं। जैसे हरिद्वार में हरकी पैड़ी है, काशी में मरकंटका है, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, मथुरा के अंदर विश्राम घाट है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार के माता पिता को जेल खाना से छुड़ा के ला के विश्राम कराया है, तभी से घाट का नाम विश्राम घाट है। 12 घाट उत्तर की तरफ में, 12 घाट दक्षिण की तरफ में, बीच में ये बड़ा घाट है विश्राम घाट। यही जमुना जी की आरती होती है जो कार्तिक के महीना में आप लोग भाई दूज करते हैं ना, लाखों बहन भाई यही सी घाट पर आके स्नान करते हैं। ये सूर्य नारायण भगवान के लड़का लड़की हैं जी, यमुना मैया, धर्मराज और शनिदेव, तीनों बहन भाई हैं। कार्तिक के महीना में भाई दूज वाले दिन यमुना जी अपने भाई को टीका कर रही हैं। जब बहन भाई को टीका करती है तो भाइयों का फर्ज होता है बहन को दक्षिणा देना। ये बहन ने दक्षिणा में क्या मांगा है कि जो लोग यमुना जी स्नान करें उन्हें यमलोक लेके मत जाना। धर्मराज चकित हो गई और अपनी बहन को कहने लगे, आप तो यमुनोत्री से आई हैं और इलाहाबाद तक गई हैं, लाखों आदमी अगर रोज़ स्नान करेंगे तो हमारे लोक में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। एक बात देता हूँ, जो लोग मथुरा के अंदर विश्राम घाट आके यमुना जी स्नान करें, हमारे दर्शन करें, उन्हें हम यमलोक नहीं ले जाएंगे। ये धर्मराज भैया का दरबार है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, अपनी करनी और पार उतरनी। घाट तो इधर दिख रहा है, काशी विश्वनाथ भगवान है बनारस वाले जी। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने एक एक गोपी एक एक कृष्ण के साथ महाराज किया है, वहाँ जेंट्स नो अलाउ थे, भोलेनाथ की इच्छा थी महाराज देखने की, तो यहाँ से लेडीज रूप रख के और वृंदावन में वंशी भट्ट पर गोपेश्वर माधव बन के बैठी है। आ जाओ, राधे राधे, जय। ये यमुना जी के स्वरूप के दर्शन है जी। ये बाल रूप के दर्शन है दोनों भाई के, इसी स्वरूप से मामा कंस को मार के और यहीं भगवान अपने मुरली मुकुट रख के गुजरात द्वारकापुरी गए हैं राज्य करने के लिए, तब से वो मंदिर का नाम द्वारकाधीश है।
यहाँ से ब्रह्मा जी की आरती होती है सुबह शाम दोनों वक्त। सुबह में 5:15 बजे होती है और शाम को 7:30 बजे होती है। ये वो दोनों प्राणी हैं जिनने द्वारकाधीश का मंदिर बनाया और 72 वर्ष की उम्र में भगवान ने इनको लड़का दिया। लड़का प्राप्त करके और द्वारकाधीश का मंदिर कांकरौली के नरेश हैं ब्रजेश कुमार महाराज, उनको दान करके और यहाँ जमुना पूजन करके वैराग्य लिया। देखिए हम यहाँ यमुना जी के बिल्कुल तट पर खड़े हैं और बहुत सारी बोट्स हैं यहाँ पर। बोट्स तो हैं ही, साथ में देखेंगे आप यमुना जी के अंदर कितने फूल पत्तियाँ ये डली हुई हैं और साथ में प्लास्टिक्स भी हैं। ये थोड़ा सा हमें इन पर चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं हम, यहाँ पूजा ही करने आते हैं, लेकिन कम से कम अपना ये प्लास्टिक्स अपने साथ लेकर जाएं, या डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पर उनका यूज़ करना चाहिए हमें। सब कुछ ये वहीं जा रहा है, बंदर प्लास्टिक्स को मुँह में ले रहे हैं, बहुत ख़राब लग रहा है ये सब देख कर। बंदर ही मैले हो गए। हम माँ का दर्जा देते हैं तो हमें माँ की तरह ही साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। कहते हैं राजा राजा सब कहें और कुज्जा कहे न कोई, और एक बार कुज्जा कृष्ण कहे तो कोट जन्म फल हुई। राधे राधे। ये है देखिए यमुना तरंग धर्मशाला, बिल्कुल यमुना जी के तट के पास ही है। तो मंदिर के द्वार खुल गए हैं तो हमें अब जल्दी से अंदर जाना चाहिए। ये द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ से भगवान गुजरात द्वारका पूरी गई है राज्य करने के लिए, तब से इनका नाम द्वारकाधीश है। बंदर बिल्लियाँ सब भगवान के द्वार में। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि जो हम पूरा देखकर आए, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, फ़ोन और जैसा कि बताया गाड़ी की चाबी तक अलाउड नहीं थी, कोई भी डिवाइस आप अंदर नहीं लेकर जा सकते, तो वो हमने सब जमा करा दिया था। उसके बाद हम अंदर गए, पूरा एक किले की तरह बना हुआ है वो, और वहाँ पर हमने वो जगह मंदिर का जो जिस तरह मंदिर में हम एंट्री करते हैं जहाँ पर वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिस कारागार में वो जगह, उस वहीं से गुजर के हम बाहर निकलते हैं। और साथ ही देखिए वहाँ पर बिरला जी ने एक मंदिर बनवाया, बहुत ही भव्य मंदिर, जिसके छत पे भी जो हैंड पेंट किया गया है, 7.5 साल लगे उस पेंट को करने में। और वहाँ पर जो राधे कृष्ण के दर्शन होते हैं हमें जन्माष्टमी पर जो दिखाए जाते हैं दर्शन, वो वहीं उसी मंदिर के होते हैं। और वहाँ पर हर चीज़ जो उनको गहने पहनाए गए हैं, सोने के आभूषण हैं वो सारे, बहुत सुंदर लगे और बहुत सुंदर भव्य मूर्ति है वो। लेकिन वहाँ पर एक पीतल की अलग से उन्होंने, जो लड्डू गोपाल जी होते हैं हमारे, वो रखे गए हैं, उन्हीं को नहलाना धुलाना करना होता है। और बाकी उन्होंने पूरा राधे कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी प्रतिमा हमें दिखी वहाँ पर। साथ ही 10-10 रुपये की टिकट है एक गुफा के लिए, उस गुफा में जब आप जाते हैं तो आपको श्री कृष्ण जी के द्वारा जो भी उनकी लीलाएं हैं, उनकी झांकियां देखने को मिलती हैं, बहुत ही सुंदर हैं वो, देखनी चाहिए आपको। और वहीं से निकलकर आप उसी सेम टिकट का यूज़ करते हुए दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर उनको एनिमेटेड किया गया है, और बहुत अच्छा आपको ऐसा लगता है कि वो मूविंग है, तो वो एक्चुअली मूविंग है और अच्छा है, देखने लायक है। लेकिन आप आराम से वहाँ पर 1.5 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं, चीज़ें सभी देखने लायक हैं और एक शांति मिलती है हमें, लगता है हम उस चीज़ को फील करते हैं कि देखिए कृष्ण जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, किस तरह से वो सारी चीज़ें उस टाइम पे वो घटनाएं घटी, तो वो बहुत अच्छा देखने लायक है। तो हम आ गए हैं होटल वापस, और यहाँ के अब जो बाकी रूम्स हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं, और उसके बाद हम निकलते हैं आगे। देखिए हम आपको अब दिखाने वाले हैं इनका एग्जीक्यूटिव रूम। रूम में मुझे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लग रही हैं, लेकिन कुछ इसको मॉडिफाई किया गया है। टीवी इसमें मुझे बड़ा दिख रहा है, वैसे शायद हमारे रूम में भी इतना ही है, लेकिन और कुछ पीछे जैसे इसके बेड के पीछे वाला जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, और सिटिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर डेस्क भी अलग से है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए टैरिफ में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। बेस कैटेगरी 3500 रुपीज़ का टैरिफ है प्लस टैक्सेस,
इसी तरह से एग्जैक्टिव 4000 और अभी जो हम स्वीट रूम आपको दिखाने वाले हैं वो है 5000। इसमें ये डिफरेंट है, तो थोड़ा सा डिफरेंस मुझे दिखाई दिया है, अच्छा है। और वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, बट क्योंकि क्यूबिकल शार दिया हुआ है इसलिए स्पेस की आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये है इनकी स्वीट कैटेगरी जिसमें इन्होंने लिविंग एरिया सेपरेट दिया हुआ है, प्रॉपर सिटिंग है, सेंट्रलाइज एसी है तो अलग अलग कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टीवी है, फ्रिज है, डेस्क दिया हुआ है प्रॉपर, और साथ में यहाँ पर इन्होंने अंदर बेडरूम दिया हुआ है। बेडरूम में भी आपको टीवी मिलता है, मिरर है और अटैच वॉशरूम है, तो वॉशरूम एक ही है, बेडिंग भी यहाँ पर एक है लेकिन एक्स्ट्रा बेडिंग मिल जाती है। 5000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस इसका टैरिफ इन्होंने बताया है, अप टू 20% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। देखिए कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं कि हम होटल्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ भी हम जाते हैं हमें लगता है कि हमें आपको रहने के ऑप्शंस दिखाने चाहिए ताकि जब आप वहाँ पर आएँ तो आपको सुविधा हो, और अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप भी बुक कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप आते हैं मथुरा, आप अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं, एक दिन मुझे लगता है सफिशिएंट है मथुरा के लिए, क्योंकि हमने तो आधे दिन में ही कवर कर लिया है, लेकिन आप और अच्छे से घूमना अगर चाहते हैं तो एक दिन सफिशिएंट है। आप द्वारकाधीश कृष्ण जन्मभूमि घूम सकते हैं, हमने आपको रहने के भी ऑप्शन दिखा दिए हैं, होटल और जो हमने विश्राम गृह जो गेस्ट हाउस आपको दिखाया था वो भी हमने आपको दिखाया है। तो बहुत सारे ऐसी जगह नहीं है कि हमें और जगह घूमनी चाहिए, क्योंकि हमने जितना पूछा यहाँ पर लोगों से तो यही दो फेमस टेम्पल्स हैं जो आपको यहाँ आए तो ज़रूर दर्शन करने चाहिए। और अब हम चलते हैं बरसाना की तरफ, वो भी एक अपने आप में अलग डेस्टिनेशन है, और कृष्ण जी की तो लीलाएं जगह जगह उन्होंने जो दिखाई हैं वो हम भी आपको भी दिखाएंगे और हम भी उन्हें इन्जॉय करेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और जानकारियाँ सिर्फ अपने तक ना रखें, दूसरों को शेयर भी करें। जो चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब बटन दबा लिया करें और बेल आइकन के साथ, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। OTA एक्सपर्ट हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ज़्यादा जानकारियों के लिए आप वहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। राधे राधे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।